तो हम लोग गीता के भूमिका के अंतर्गत चल रहे जिसमें भगवतीता को पढ़ने के लिए जी ने यहाँ पर गीता महात्मा का उल्लेख किया है प्रमाण दे रहे हैं कि केवल अगर कोई भगवतीता पढ़ता है तो भगवतीता पढ़ने से उसको क्या लाभ हो सकता है याद रखना चाहिए हम सबको लाभ क्या हो सकता है पहले ही श्लोक से लाभ बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति गीता अध्ययन शील प्राणायाम पर नैव संति ही नहीं पूर्व जन्म कृतानी पूर्व जन्म कृतानी पूर्व जन्म में जो हमने कार्य किए हैं जिनके फल हम वर्तमान के जन्मों में भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं बोले हम किसी भी कर्म के फल से अपने आप को बचा सकते हैं केवल गीता पढ़ने मात्र से लेकिन गीता को गंभीरता पूर्वक पढ़ना चाहिए प्रभुपा जी लिख रहे हैं यदि कोई भगवती को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढता है क्या पहचान है निष्ठा और गंभीरता से उसने गीता को पढ़ा है क्या पहचान हो सकती है प्रैक्टिकली अप्लाई करे जो पढ़ रहा है ठीक है, याद है। श्लोक वगैरह याद कर ले वो ठीक है और लोगों को अच्छे से समझा सके अच्छी बात है। गीता को किसी व्यक्ति ने गंभीरता से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसका एक ही प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने गीता के जो अठारहवें अध्याय के सार रूप में जो श्लोक भगवान के द्वारा जो बताया गया है क्या वो जीवन में आ पाया इसलिए प्रभुपा जी ने इमीडिएटली उस श्लोक के बाद ऐसे श्लोक को डाला है कहा गीता महात्मा से श्लोक को ले रहे हैं कि गीता के श्लोकों की महिमा क्या है उन श्लोकों को लेते लेते प्रभुपा जी एकदम से अठारहवें अध्याय के छासठवें श्लोक पर चले गए तो ऐसे ही नहीं चले गए प्रभुपाद जी अठारहवे अध्याय के छियाठवे श्लोक पर प्रभुपाद क्यों चले गए बोले किस व्यक्ति ने गंभीरता से अध्ययन किया है तो उसको ये बात समझनी होगी अगर ये बात नहीं समझ पाए तो हमने गीता को नहीं अध्ययन किया क्या बात है गीता को अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए बोले सर्वधर्मान परित भगवान ने अंतिम उपदेश के रूप में अर्जुन को यही बात बताया क्योंकि क्षत्रिय धर्म का उपदेश भगवान ने किया था वर्णाश्रम आदि धर्मों के उपदेश को भगवान ने किया था कई कारण बताए थे भगवान ने अनेकों संसारी फायदे भी गिनाए थे युद्ध करो ये है वो है लेकिन आखिरी में भगवान ने क्या बोला तुम सब धर्मों को छोड़ दो तो। धर्मों को छोड़ने का अर्थ है कि अधर्म तो फिर पहले ही छूट गए अधर्म तो पहले ही छूट गए अब यहां धर्मों को भी छोड़ने की बात हो रही सर्वधर्मानी अब धर्म कहाँ कहाँ होते हैं सर्वधर्मांत मतलब एक दो धर्म नहीं है कई सारे धर्म है कई सारे धर्म कौन कौन से हो सकते हैं हम लोग केवल अकेले तो जीते नहीं ना धर्म का अर्थ है ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज जो हम बाउंड होकर के ड्यूटीज को करने के लिए बद्ध हो जाते जैसे अब एक धर्म नहीं होगा एक कार्य नहीं होगा एक कर्तव्य नहीं होगा कर्तव्य कितने सारे हो जाते हैं कोई गिनती में आ सकते हैं कर्तव्य हमारे मकान के प्रति हमारा कर्तव्य है जमीन के प्रति हमारा कर्तव्य है माँ के प्रति हमारा कर्तव्य है पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है भाई के प्रति हमारा कर्तव्य है नाते रिश्तेदारों के प्रति हमारा कर्तव्य है पालतू जानवरों के प्रति हमारा कर्तव्य है जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव के प्रति हमारा कर्तव्य है जिस देश में रह रहे हो उस देश के प्रति हमारा कर्तव्य है जैसे वोट डालने भी नहीं जाते तो बोले आप अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं साहब, साहब, होता है ना जो बच्चे हमने पैदा किए उन बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य है हम पैदा बाद में होते हैं, कर्तव्य पहले निकल के आ जाते हैं, <laughs> दुनिया में कोई ऐसा है जिसका जीवन में कोई कर्तव्य ना हो हाँ इतना हो सकता है कि किसी के पास एक बच्चा है तो एक बच्चे के प्रति कर्तव्य है किसी के चार बच्चे हैं तो चार बच्चों के प्रति कर्तव्य है किसी के पांच जगह रिश्तेदारियां तो पांच जगह कर्तव्य है किसी के एक ही जगह रिश्तेदारी है तो वहां एक ही जगह कर्तव्य है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कोई गिनती है मक्खी मच्छर के प्रति भी कर्तव्य है आप जीव जंतुओं के प्रति कर्तव्य चार लोगों के बीच में हम बैठे हों चार लोगों के बीच में हमारा व्यवहार हमारा धर्म कैसा होना चाहिए वहां के लिए भी धर्म निर्धारित है कि भाई <laughs> वहां बैठ करके आप चार लोगों के बीच में बैठे हो तो पेट को साफ सुथरा रखना वहां कोई गैस वगैरह लीक मत कर देना सिखाया जाता है ये सब धर्म नहीं तो वातावरण को तुम दूषित कर दोगे और गैस लीक भी अगर हो रही है तो कम से कम आवाज करके मत करना ये भी सिखाया जाता है सिखाया है शास्त्र में भैया मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूँ आचार संहिता आप पढ़ोगे तो वहां पर आचार संहिता में ये सब बातें सिखाई गई हैं अरे हमारे शरीर के खुद के प्रति कर्तव्य रोज दांत साफ करने चाहिए भी बात भक्ति रसाम सिंधु में बताई गई है कि दांत साफ करने चाहिए तो रोज कम से कम दो बार तो किसी भी हालत में स्नान होना ही चाहिए सिखाया गया है। अगर कोई साधक भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो तो उसको किसी भी हालत में कम से कम से दो बार स्नान तो कंपलसरी है ये शरीर के प्रति कर्तव्य है दांत साफ करना सब चीजें कर्तव्य हैं ये सब धर्म कहलाते अब बताओ पत्नी के प्रति कितने टेंशन देते ये सारे धर्म विचार करें हाँ लेकिन भगवान ने एक दम से दो टूक शब्दों में बोल दिया बोला बोला मतलब थोड़ा बहुत छोड़ दिया परित्यज मतलब पूरा छोड़ दो सब भूल जाओ कि हमारी कोई माँ भी है भूल जाओ हमारा कोई बाप भी है भूल जाओ हमारा कोई भाई है भूल जाओ पत्नी है भूल जाओ बहन है भूल जाओ संसार में कोई हमारा है भाई बंधु परिवार मकान दुकान गाड़ी घोड़ा कोई नहीं हमारा हमारा कोई नहीं ऐसा भगवान बता रहे मैं नहीं बता रहा हूँ धर्मों को छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं बोले फिर तो बहुत बड़ा पाप लगेगा भैया कितना समाज कितना बोलता है कि तु, अरे तू बाप का सगा नहीं हो गया तो हो पाया तो भगवान तेरे को कहाँ से मिलेंगे भाई का सगा नहीं हुआ तेरे को भगवान कहाँ से मिल पत्नी दुखी होकर तेरे को पाप पड़ेगा तूने मेरे को छोड़ दिया तो ऐसे सब कितने बड़े पाप का वो हवाला देते हैं कि तुम तो पाप के सीधे समुद्र में ही चला जाएगा और ऊपर से पाप का पहाड़ आ जाएगा नीचे इतना गहरा चला जाएगा ऊपर से पाप का पहाड़ तेरे को दबा देगा तेरे लिए तो कोई बचने का कोई उपाय ही नहीं है और आप किसी से बात करो ना भगवतीता के इस उपदेश को लेकर के तो लोग उल्टा आपको समझा देंगे कैसी बात कर रहे हैं आप सास ससुर बड़े बूढ़े हैं उनको छोड़ सकते हैं क्या आपके तो अभी बने नहीं ना हमारे तो बन गए घर में आदमी नया बच्चा पैदा हुआ है अभी अभी कोई है ही नहीं उसको कमा के खिलाने वाला कम से कम स्कूल जाने लग जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी अभी अभी पैदा हुआ है कोई है ही नहीं इतना बड़ा पाप लगेगा बोले हमारा हृदय ही गवारा नहीं करता कई बार और गवारा कर जाए तो दूसरे लोग कितनी पट्टी पढ़ा देते इस विषय को लेकर के पाप तो लगेगा और भगवान भी इस बात को कह रहे हैं पाप लगेगा लेकिन फिर भी भगवान ने क्या कहा आम सर्व पापे मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा चिंता मत करो मां छो मत कितना बड़ा एश्योरेंस भगवान ने आखिरी श्लोक में दिया कि तुम पापों की परवाह मत करना तुम क्या करना सब चीजों को छोड़ करके आ जाना अब देखो जो जिस स्तर का होता है उसको उसी स्तर की बात बताई जाती है कई बार ये भी समस्या हो जाती है ना लेकिन अब यहाँ प्रभुपा जी बता रहे हैं तो फिर मैं बता रहा हूँ इन बातों को कई बार लोग कहते हैं गीता में कहाँ कहा है छोड़ने के लिए बता देना चाहिए यहाँ कहा है छोड़ने के लिए लेकिन तुम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे भैया <laughs> तो दूसरे श्लोक समझ में आएंगे तो उनको वो वाले श्लोक समझाए जाते हैं लेकिन यहाँ प्रभुपा जी ने एकदम से गीता के अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए ये वाला श्लोक तुरंत रेफर किया है तुरंत भूमिका के अंदर रेफर किया है क्या कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम गीता पढ़ने जा रहे हैं वैसे जैसे मान लो कोई गणित पढ़ने जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे को पांच यूनिट पढ़ करके उसमें से चालीस मार्क्स चाहिए ये नहीं कि मुझे ये अध्याय बहुत बढ़िया लग रहा है मैं पूरा छह महीने तक इसी चैप्टर को पढ़ूंगा बस दूसरे चैप्टर पढ़ूंगा ही नहीं चाहे उसमें से मात्र पांच मार्क्स का आए लेकिन मेरे को ये बहुत आनंद दे रहा है तो बाकी कुछ पढ़ूंगा तो। उसको पता होना चाहिए कि मेरे को कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का मेरे को सिलेबस आने वाला है एग्जाम के अंदर और मेरे को कुल मिलाकर के चालीस मार्क्स चाहिए लक्ष्य होना चाहिए इसलिए प्रभुपा जी यहाँ बड़ी स्पष्टता के साथ बता रहे हैं भैया गीता अगर कोई पढ़ने जा रहा है जो कि साधारण ग्रंथ नहीं है सब पढ़ाइयों का सार है सबका बाप है सारे वेद पढ़ लिया उसने सारे कर्मों का नाश केवल ऐसा गंभीर से हो जाएगा जितने भी पूर्व कर्म कृतानीच पूर्व जन्म कृतानीच मतलब पूर्व जन्म कोई गिनती है क्या कि पिछले जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा पिछले जन्म के फल फल से हम बच जाएंगे कोई गिनती है अरे अनंत जन्मों की श्रृंखला चली आ रही यहां कोई ऐसा नहीं कहा कि आप एक जन्म कृता नीचे दो जन्म कृता नीचे नहीं क्या कह रहे हैं नैव संति ही पापा पूर्व जन्म कृता नीचे पूर्व के जितने भी कर्म उसने जन्म ले रखे और उन जन्मों में जो भी गोरख धंधे किए सबसे पापों से होता जाए पहचान क्या है सर्वधर्मान लक्ष्य हमारा दिमाग में हो जाना चाहिए सारे धर्म सारे कर्तव्य को हम छोड़ पाए क्यों छोड़ने की जरूरत है भैया भगवान क्यों अपनी शरण में बुला रहे हैं एक तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं तुम ये वाले पाप से मत डरना और पाप से तो भगवान मुक्ति देना ही चाहते ना इसलिए तो पहले वाला श्लोक आया पूर्व जन्म बोले नई वो संति ही पापानी केवल अध्ययन करने से तुम्हें पिछले पापों से मुक्ति मिलेगी तो फिर भगवान पाप कर्म करने की ओर क्यों भेजेंगे भगवान बोले धर्मों को छोड़ने से तो पाप लगेगा तो पाप कर्म करने के लिए एक प्रकार से पाप लगाने के लिए भेज रहे हैं क्या नहीं अध्ययन करने से पाप छूट रहे हैं। और अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो पाप लग रहे हैं। समझ रहे हो बोले अध्ययन करने मात्र से पापों से मुक्त हो रहे हैं और अध्ययन करने जा रहे हैं जाने के लिए ऐसी गंभीरता आ जाए कि पीछे को सोच के न जाए अभी जैसे कितने सारे लोग क्लासेस अटेंड करते हैं लोग जुड़ जाते हैं लेकिन जो परिवर्तन चार छे दिन यात्रा में करने के साथ, भक्तों के साथ साथ भक्तों कथा वार्ता सुनते सुनते आता है आठ दिन के अंदर ही अगर व्यक्ति यात्रा में जब जुड़ जाता है तो कितना कनेक्ट हो जाता है जो पूरा साल तक सुन रहा था नहीं परिवर्तन आया आठ दिन में ऐसा क्या हो गया बोले वही भक्त हैं, वही कथाएं हैं वही कीर्तन है ज्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ धाम में भी जाकर के वही कथाएं सुनाई जाती हैं। धाम में ऐसा तो है नहीं कि साक्षात लीला दिखाई दे रही हो किसी को जो कथा सुनते सुनते दिमाग आदमी हाँ बनाने में या उस सीन को क्रिएट करने में लगाता है जो यहाँ लगाता है वही वहां लगाता है वहां साक्षात तो प्ले हो नहीं रहा है उसकी नजरों में लेकिन वहां जाकर परिवर्तन क्यों फील होता है क्योंकि वो उस गंभीरता से उस चीज को पाने के लिए निकला था जिसमें उसने घर बार सब चीजें जितने भी धर्म थे कि भाई मेरे को ड्यूटी जाना है मेरे को बच्चों को सुबह स्कूल में भेजना है ड्रेस पहना सके उनके लिए कुकिंग करनी है फोन आ गया इधर से साफ सफाई करना है ये करना सब धर्मों को छोड़ करके हो गया <laughs> कितने दिन के लिए आठ दिन के लिए तीन दिन के लिए चार दिन के लिए उसका ही कितना बड़ा अंतर आ जाता है नहीं छोड़ के जाओ लगे रहो कोई परिवर्तन नहीं ऐसा लगता है साड़ा पर नाला होते कोई डिफरेंस नहीं समझ रहे इसलिए यहाँ भगवान ने कहा कि पाप लगेंगे उसकी चिंता मत करो जो गीता के अध्ययन के लिए गीता के उद्देश्यों को अंगीकार करने के लिए जो समस्याएं पैदा होंगी बोले उसकी जिम्मेदारी भगवान किसी को ऐसी जिम्मेदारी नहीं दे रहे कि हाँ ये जिम्मेदारी उस भक्त की है भाई जिसके पीछे पीछे तुम चल पड़े थे और हमको लगे कि यार ये भक्त तो इतना सीरियस है नहीं और ये भक्त क्या जिम्मेदारी उठाएगा मेरी नहीं भगवान घोषणा कर रहे हैं तुम इस गीता को पढ़ने के लिए समझने के लिए गंभीरता से जस्ट निकल पड़े अब जो कुछ भी होगा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ अब इससे बड़ा और ऑथराइज्ड पर्सन कौन होगा इससे ज्यादा और शक्तिशाली व्यक्ति कौन होगा जो पापों को नष्ट कर सके कौन नष्ट कर सकता है केवल श्री कोई सोचे यार मेरे को जरूरत ही नहीं मेरे को पाप पाप से कोई डर ही नहीं नहीं बेटा ये संसार अनित्यम देखो जैसे अठारहवें अध्याय में कंक्लूजन दिया ऐसी भगवतीता का नौवा अध्याय बिल्कुल बीच में आता है वो एक प्रकार से सैंडविच है जो मेन स्टफ बीच में रहता है बीच में भी प्रभुपा जी ने उसको एक्सप्लेन किया है जस्ट पहले ही क्या घोषणा किया है माम ही पार्थ ये अपि शिव पाप योन कोई भी चांदाल आदि खस आदि पुलिंद आदि आदि कोई भी पाप योनिया भी देखो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी दरवाजे खोल रहे भगवान सब के लिए दरवाजे खोलती पाप योनि भी ये अपी मतलब ये भी चलेगा ये भी हो सकता है ये अपी शु पापी होने हम मां ही पार्थ व्यापार अगर कोई मेरा आश्रय लेता है और फिर स्त्रियां भी आ सकती हैं, फिर तो पाप योनियों के लिए जब दरवाजे खोल दिए तो स्त्रियों के लिए क्या दरवाजे बंद हैं? स्त्रिया अगर देखो तो पाप योनि स्त्री और एक ही होते तो अलग अलग शब्दों उपयोग में नहीं लाते पाप योनि के लिए अलग शब्द है और स्त्री के लिए अलग शब्द है। ये अपी माम ही पार्थ बहुत सुंदर श्लोक है नौवी अध्याय का बत्तीस तेतीसवा श्लोक है हमें याद कर लेना चाहिए इसको माम ही पार्थाश्रित्य ये अपि शिव पाप योन अगर कोई पाप योनि भी क्यों नहीं है अब उस पाप योनि से थोड़ा ऊपर उठ जाए तो स्त्रियों स्त्री आ जाती हैं फिर थोड़ा सा और ऊपर उड़ जाए तो वैश्या, वैश्या आ जाते हैं फिर और हाँ स्त्री फिर शूद्र भी आ जाते हैं स्त्री वह तथा मतलब ये सहज नहीं होता है इन लोगों के लिए निकलना लेकिन अगर ये लोग भी भगवान के आश्रय में चले जाए ते अपी याम गतिम वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं तो भगवान परम गति के लिए दरवाजा खोल रहे हैं फिर क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह के लिए ने बोले नहीं किम पुनर ब्राह्मणा पुण्य फिर ब्राह्मण के लिए तो क्या कहा जाए वो तो कितना तो जल्दी पहुंच जाएगा इसके अंदर ब्राह्मणी कल क्वालिटी से और जो पुण्य है पुण्यशाली है जो जिन्होंने अत्यधिक पुण्य किए हैं ब्राह्मण में जन्म लेकर के भी तो वो तो भक्त बन जाते किम पुनर् ब्राह्मण पुण्य भक्ता फिर भक्त लोगों के लिए तो क्या कहा जाए राज ऋषि तथा राज ऋषियों के लिए क्या कहा जाए अब भगवान कोई व्यक्ति सोचे भाई भगवान को बहुत सेवा की जरूरत है बहुत गर्ज पड़ रही है भगवान को सब कोई बुला बुला करके अपनी शरण में भेज रहे हैं भगवान ने यहाँ दो कारण बताए एक कारण बताया अनित्यम ये संसार अनित्य है ये संसार नष्ट होने वाला है ही संसार शब्द का ही अर्थ है जो कि सम मतलब अच्छी तरह से श्रुति मतलब सरक रहा है अच्छी तरह से जो चलायमान है कोई भी चीज बैठने वाली नहीं है यहाँ हम सोचे बाप के लिए चार पाई डाल करके बैठ जाते हैं बाप तो बैठ ही जाएगा अब जीवन में कभी जाने वाला नहीं है ऐसा नहीं है पिताजी चले जाएंगे लाख रोकने पर भी चले जाएंगे माताजी चली जाएंगी भाई बहन चले जाएंगे पत्नी चली जाएगी बच्चे चले जाएंगे हम चले जाएंगे मकान दुकान चला जाएगा भगवान कह रहे हैं अनित्य है अंत है तो है तजेंगे पामर तू नजे अभी ही थे अंत में ये तेरे को छोड़ देंगे भाई तो तू अभी से क्यों नहीं छोड़ रहा है तो ही छोड़ दे। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं किसी की खोपड़ी में ही बात नहीं बैठती हर व्यक्ति ने छोड़ना है काल छोड़वा लेगा जबरदस्ती छोड़वा लेगा इसलिए आचार्य कह रहे हैं जब काल छुड़वाएगा अब जैसे बालक छोटा सा ही था और इसकी मां छोड़ के चली गई हम छोटे से थे हमारी माँ छोड़ करके चली गई हम बड़े हो गए तो भी ऐसा लगता है पिताजी तो पिताजी होते हैं पिताजी के लिए हम सदा बच्चे ही रहते हैं और वो छोटी सी उम्र में पचास अट्ठावन साल की उम्र में छोड़ के चले गए दादी दादा सब छोड़ करके चले गए कहा दादी रोती थी तू मेरे को छोड़ के चला गया अब दादी रोने के लिए दादी नहीं बैठी हुई है वही छोड़ के चली गई लेकिन कोई व्यक्ति इस बुद्धि को नहीं लगा पाता व्यक्ति क्या सोचता है अरे मैं छोड़ दूंगा तो ये दुख पाएंगे या मैं छोड़ दूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा मैं दुख पाऊंगा अगर ये असहाय हैं तो ये दुख पाएंगे ऐसा लगता है और जब तक हम असहाये हैं अरे हम घर वालों को छोड़ देंगे या घर वाले हमें निकाल देंगे तो हम दुखी हो जाएंगे हम कहा से जिएंगे कैसे हमारा सब कुछ चलेगा कितनी विचित्र बात कितनी इनसिक्योरिटी अंदर है भगवान कह रहे हैं भैया सुख है कहा तुम सोच रहे हो कि हम पकड़ के रहेंगे तो सुखी रहेंगे छोड़ देंगे तो दुखी हो जाएंगे भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम इमम हे अर्जुन ये संसार में सुख है ही नहीं तुमको लग रहा है कि पैसा कमाने से सुखी हो जाएंगे पैसा कमाने के पीछे दुख चला आ रहा है बहुत तेजी से। तुमको लग रहा है कि भोग भोगने से स्त्री को भोगने से सुख मिलेगा स्त्री के भोगने के पीछे दुख आ रहा है पीछे पीछे संतान के आने से सुख मिलेगा संतान के पीछे पीछे दुख आ रहा है जवानी को भोगने से आनंद मिलेगा जवानी के पीछे पीछे दुख आ मकान दुकान गाड़ी घोड़ा संसार में किसी भी चीज में सुख नाम की चीज तो है ही नहीं लेकिन दिमाग इतना खोचड़ा है इतना घटिया है इतना कचर दिमाग में भरा हुआ है नहीं मेरे को तो रूबी कौन में सुख मिलेगा आपको नहीं मिलेगा शायद लेकिन मेरे को रूबी कौन में सुख मिल जाएगा सामने से ओ रूबी कौन? गाड़ी जा रही है बाप वाओ एग्जीक्यूटिव ड्राइव सब ओडी गाड़ी जा रही है बाप रे बाप सबके नए नए नाम है दुनिया भर के एक एक गाड़ी को बस देखते रहो ऐसे देखते रहो ऐसे देखते रहो व्यक्ति सोचता वाह कितना सुख है भगवान ने दो ही कंडीशन बताया अनित्यम कुछ भी टिकाऊ नहीं है कोई भी चीज यहाँ बैठने वाली नहीं असुखम कोई भी चीज में सुख नहीं है आ जाए दिमाग में तो अच्छी बात है आता नहीं एक बड़ा सुंदर हाँ पद है सूरदास जी ने लिखा है कितने सुंदर शब्द है ध्यान दें थोड़ा सा क्या कह रहे हैं वो मन बिन गोविंद सुख बिन गोविंद सुख तेरो दुख दूर करवे को तेरो दुख दूर करवे को, कर को। आदमी सोचता है दुख दूर कैसे होगा बोले बस दस लाख रुपया आ जाए दूर हो जाएगा दस करोड़ आ जाए, सब दुख मिट जाएंगे नहीं नहीं? दिन दिमाग में ये रहता है बस, दस करोड़ आ जाए सौ करोड़ आ जाए एक अरब हो जाए ना ओहो ओ, ओ, ओ। फिर तो मैं दुनिया को सुखी कर दूंगा खुद तो सुख के समुद्र में डूब ही जाऊंगा दुनिया को सुख जो चाहूंगा गाड़ी वो निकाल के लाऊंगा अरे भैया सूरदास जी क्या कह रहे हैं तुम्हारे पास रिद्धिया सिद्धियां आई आई आ चुकी हैं। जब हम ब्रह्मलोक में थे तो वहां एक एक व्यक्ति के पास न जाने कैसी कैसी सिद्धियां हो जाती है और हमें से सब में से आ चुके हैं घूम करके आ ब्रह्म भवनार लोकान पुनरावर्तन अर्जुन गीता में भगवान ने बताया तो वो क्या कह रहे हैं सूरदास जी तेरो दुख दूर कर बे को तेरो दुख दूर कर बे को रिद्धि सिद्धि फिर फिर जाही रिद्धि सिद्धि फिर फिर जाहि आ करके चली गई वहां भी शरीर छोड़ दिया मतलब ऐसी चुटकी बजाओ तो रूबी कौन खड़ी है चुटकी बजाओ तो होटल हयात खड़ा हो गया चुटकी बजाओ तो हेलीकॉप्टर आ गया ऐसी ऐसी सिद्धियां बोले वो आ करके चली गई भैया लेकिन तुम्हारा संसार में दुख दूर नहीं हो पाया इतनी स्पष्टता के साथ उन्होंने बताया हमको तो लगता है अरे प्रभु जी गप मार रहे हैं हाँ भैया हम तो गप भी मार रहे होंगे हो सकता है लेकिन ये सब आचार्य लोग थोड़ी, थोड़ी गप मार रहे भगवान थोड़ी गप मार रहे हैं भगवान कह रहे तू तो कितने भी पापड़ पेल ले यहाँ पर अनित्यम असुखम यहाँ सुख है ही नहीं छोड़ दे कहा जाए फिर शरण में जाए बोले ब्रह्मा शिव आदि की शरण में भी जाने से काम नहीं चलेगा क्या कह रहे हैं रे मन बिन गोविंद सुख नाही रे मन बिन गोविंद सुख नाही शिव ब्रह्मादे शन का दिक जेते शिव ब्रह्मा दे का दिके शिव जी की शरण में ब्रह्मा जी की शरण में शन का किसी की शरण में चले जाओ जितने भी ये हो गए हैं इनकी गति अब न इनकी गति अवगाही इनकी, इनकी शरण में जाने से हमारा उद्धार परम गति नहीं प्राप्त हो, लौट बिन गोविंद सुख बिन गोविंद सुख ना कहा जाए फिर जगत पिता जगदीश शरण बिनु जगत पिता जग शरण बिनु कौन है जगत पिता जगन्नाथ सुख तीनों सुख तीनों डंकी की चोट पर घोषणा कर दे बोले तीनों पुर चले जाओ तीनों लोक चले जाओ ऐसे से विमान इतने विशाल विशाल स्वर्ग में विमान है जिनकी आवाज ही नहीं करते जो बताओ आवाज ही नहीं करते और मन की गति से चलने वाले। कौन से ऐसी रूबी कौन वगैरह जो मन की गति से चले यहाँ पर संसार में हम यहाँ रहते हैं तो हमारा दिमाग केवल इतने से नहीं दौड़ता है और किसी को बोलिए स्वर्ग अच्छा सुख अच्छा तो रूबी कौन लेके जाएंगे वहाँ गधा कहता है ठीक है जाएंगे कोई दिक्कत नहीं वैकुंठ में बोले रूबी कौन लेके जाएंगे लैम्बरगिनी लेकर ले 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 के जाएंगे वहां लिमोजिन लेकर के जाएंगे वहां डिफेंडर लेकर के जाएंगे वहां वहां लेके जाएंगे अरे मूर्खो वहाँ ऐसे ऐसे स्वर्ग में ही ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर विमान है महाराज चित्र के तो विमान में आरूढ़ होकर के करोड़ों रानियों के साथ संकीर्तन करते हुए विमान में लेकर के चलते थे ऐसा सुंदर विमान था टेम्पो भी है <laughs> ये लो <laughs> कोई रूबी कौन में सुखी है तो कोई टेम्पो में सुखी है टेम्पो चाहिए बोले वहा <laughs> एक काम करो तुम यही रहो भैया यही चलाओ टेम्पो जितने जितने चलाने यही चलाओ लो अच्छी तरह से टेम्पो चला चला कर वहां टेम्पो नहीं है गोबर के की कीड़े वाली हालत बोले गोबर है क्या उसके लिए यहां बनाया तुम लोगों के लिए ये रहो कितनी स्पष्टता के साथ गुरुदास जी ने बताया जगत पिता जगदीश शरण बिनु जगत पिता जगदीश शरण बिनु सुख तीनों नुर नाही सुख तीन नाही अरे ब्रह्म लोक में नहीं सुख मिला रिद्धि सिद्धि वापस चली गई सब छोड़ छाड़ के आ गया रे मन गोविंद बिन सुख नाही रे मन गोविंद बिन सुख नाही और क्या रहे हैं अपने अनुभव से बता रहे हैं। और सकल में देखे ढूंढे और सकल में देखे ढूंढे सारी दुनिया मैंने छान मारी बोली फिर संसार में ऐसा क्यों लगता भैया सुख है ये ऐसे हैं जैसे बादल की छांव बादर की सी, बादर की सी ये बादल की छांव कितनी देर रहती है बादल की छाव थोड़ी देर के धूप में आओ थोड़ा बादल आ जाता है थोड़ी छाव मिल जाती है थोड़ा सा सुकून मिलता है लेकिन अंदर छटपटाट रहता अभी चला जाएगा अभी चला जाएगा और दूर से दिखता है हाँ यहाँ छाव है वहां धूप है और फिर देखते धीरे धीरे बादल सड़कता धूप आती चली जाती फिर धूप में जाते ऐसे संसार के सुख और सुख और देखे ढूंढे सारे संसार में ढूंढ लिया भैया कहीं भी पत्नी आई तो समझ लो बादल की परछाई है दो चार दिन साल भर आपको गर्मा गर्म फूली रोटियां मिलेंगी उसके बाद फिर जली पजरी चालू हो जाएंगी हाँ तो अब तो दो ही महीने मिलती है बस तो अभी तो इसका नया वर्जन आ गया बोले दो ही महीने वो सूखी रोटी वो फूली हुई मिलती है दो महीने बाद ही सामने असलियत आ जाती है कि नहीं शुरुआत में लोग क्या कहेंगे मैं किचन में बर्तन भी धोऊंगा झाड़ू पोछा भी लगाऊंगा माला भी चौसठ माला करूंगा सब इस प्रकार से वचन देती हैं और बाद में चल करके बोले साहब हो बिनु अनुभव बता रहे हैं और भगवान यहां क्या कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य इस संसार को प्राप्त करने के बाद कैसा संसार जो अनित्य है और असुखमय है अर्थात दुखमय है अनित्यम असुखम एम प्राप्य लोकम एम प्राप्य इस लोक को प्राप्त करने के बाद तेरे को और फिर यहाँ क्यों काम करना क्या करो भाई फिर भजस्व माम मेरा भजन करो भगवान कह रहे भजस्व मतलब मेरी सेवा करो भज धातु सेवा से है मेरी सेवा का नाम जब के सेवा होती है उससे पहले कथा सुन के सेवा होती है उसके बाद नाम जब के साथ सेवा होती है उसके पश्चात फिर आज्ञाएं पालन करके दूसरी अन्य सेवाएं होती हैं इस प्रकार से ये चक्र चलता है भगवान करे भजन भगवान को कोई ऐसा नहीं कि तेरे आ जाने से मेरी सेवा में वो वो जो कमी थी पूरी हो जाएगी और फिर मैं चैन की नींद आराम से से भगवान ऐसा कोई नहीं रख रहे कि तुम मेरे से, मेरा भजन कर मेरा भजन कर मेरी सेवा कर मतलब तो तेरे आ जाने से मेरी सेवा में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी अभी बहुत बड़ी मुश्किल से क्राइसिस से गुजर रहा हूँ मैं बड़ी मुश्किल से सुबह पोहा खाता हूँ रात को बस थोड़ा सा हलवा के गुजारा कर रहा हूँ तुम तो आ जाएगा तो कम कम मटर पनीर वगैरह सब पूरी पूरी सब्जी वगैरह को छप्पन भोग लगने लग जाएंगे अभी बस बस चने कुटकुटा करके जैसे जीवन गुजार रहा हूं ऐसा नहीं है भगवान को भजन सुमाम भगवान ये नहीं कह रहे मेरी समस्या इसलिए तू आ जा ऐसा नहीं कह रहे भगवान क्या कह रहे हैं तेरी समस्या है तू मेरे पास आ क्या समस्या हमारी क्या समस्या है दो समस्या है अनित्यम असुखम लोकम एम प्राप्त इसमें हम प्राप्त हो चुके हैं इसको हम प्राप्त कर चुके हैं फंस चुके हैं इस प्रकार से अब उपाय भगवान बता रहे हैं। क्या वही बात यहां कह रहे हैं सूरदास भगवंत भजन बिनु सूरदास भग देखो वो रहा है बेचारा और आप लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे अकेला वो ध्यान से सुन रहे सूरदास भगवंत भजन बिनो सूरदास हो नहीं जाए देखो बिना भगवान के भजन के बोले दुख नहीं जाएगा और हमको क्या लग रहा है ऐसा आ जाएगा तो दुख चला जाएगा भजन भजन को बीच में क्यों डालना बोले भजन से क्या होने वाला है बोले दुख कभी जाएगा ही नहीं फिर चाहे डॉक्टर प्रकाश पे चले जाओ फिर चाहे डॉक्टर जोली ग्रांड में चले जाओ दुनिया में कहीं भी चले जाओ भजन नहीं करोगे भक्ति नहीं करोगे भैया कुछ नहीं हो सकता है बाकी सब केवल बोले नींद लेने से भयंकर दर्द मेरा ठंडा हो जाएगा मूर्हता है वो हो सकता है बाकी समय में सोल हो ना थोड़ा भजन के समय में तो भजन करना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त तो कैसे भी मर के गिर के उठ के काम करना ही पड़ेगा ये उपाय नहीं दुख तो ये सब हमारे कर्मों का ही खेल है मेरे को शुगर हो गई तो मेरे कर्मों का ही खेल है भजन करूंगा मैं तो ये प्रभाव नहीं दिखाएगा गीता इसी बात को कह रही है यदि कोई भगवतीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है गीता प्राणायाम पूर्व अध्ययनशील तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसलिए प्रभुपा जी ने यहां लिखा सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरण ब्रज हम तो आंसर पापे बेमोक्ष आगे बता रहे गीता महात्मा फिर से ले आए प्रभुपात क्या कह रहे मोचनम पुनसाम जल स्नान दिने दिने जैसे मलिन व्यक्ति अपने मल का मोचन कर देता है मलिने मोचनम पुनसाम मलिनता से मोचन को प्राप्त हो जाता है पुनसाम कोई भी पुरुष क्या करने से जल स्नानम देने देने हर रोज हर रोज करना पड़ेगा लेकिन देने देने। जल स्नानम देने देने जल के स्नान करने से ऐसे सक्रत गीता अमृत स्नानम अगर कोई गीता का स्नान अमृत स्नान करता है संसार मल ना संसार का मल उसे छुएगा भी नहीं संसार में रहते हुए भी मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है लेकिन यदि कोई भगवतीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले एक बार तो वह भौतिक जीवन अर्थात भाव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है एक बार उसने स्नान किया है कि नहीं किया है? कैसे पता चलेगा सर्वधर्मान परित अगर ये श्लोक जीवन में आ गया धर्म छोड़ पाया हो क्या छोड़ पाया धर्म छोड़ पाया सब धर्म छोड़ दिया उसने एक बार स्नान हो गया बस सदा सदा के लिए मुक्त हो और क्या कह रहे हैं गीता सुगीता किम अन्य शास्त्र विस्तरे और कौन से शास्त्र का विस्तार करें और कौन सी पढ़ाई पढ़ें और कौन सी किताब में सर खपाए और कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता फिर तो भागवत पढ़ने का तो सुबह की क्लास बंद कर देनी चाहिए फिर भागवत का क्या लेना देना है विस्तार खत्म हो गया है बोले भागवत भगवत गीता ही है और कुछ नहीं है भागवत क्या है भागवत गीता ही। और गीता क्या है भागवत ही है गीता भागवत है भागवत भगवत गीता है। दोनों में कोई अंतर नहीं एक कृष्ण के मुखारविन से निकली एक कृष्ण के बारे में है तो दोनों तो एब्सोल्यूट पर्सनलिटी श्री कृष्ण ही है ना <laughs> कृष्ण से मुख से निकलने वाला और स्वयं कृष्ण कोई अंतर नहीं है इसलिए बोले भागवत तो पढ़ना पड़ेगा <laughs> कोई सोचे भागवत का भी एक श्लोक भी नहीं छूंगा गीता में ऐसा बता दिया बोले महात्मा नहीं ऐसा नहीं या स्वयं पद्मनाभस्य नाभस्य मुख पद्मी श्रता चूंकि भगवतीता भगवान के मुख से निकली है अत किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती उसे केवल भगवतीता का ही ध्यान पूर्वक तथा ऐसा नहीं कथा में बैठे हुए अरे यार अब कितने बजे खत्म होगी कितने बजे बंद करेंगे मनोयोग नहीं हो पाता ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना एक तो व्यस्तता में हम अध्ययन वैसे भी नहीं कर सकते बोले संभव भी नहीं परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है इतनी बड़ी बात तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है और इसकी जरूरत भी नहीं। केवल एक पुस्तक गीता ही पर्याप्त है क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है क्या है समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है सार मतलब दूध का सार दही दही का मत करके सार निकाला तो बोले मक्खन है सीधा खाओ बस मक्खन खाओ बस छाछाने की जरूरत नहीं मक्खन खाओ आनंद सीधा मक्खन है सब शास्त्र, का। और शास्त्र में फिर बोले छाछ तो लोग गाय को पिला देते कई बार <laughs> 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 हमारे यहाँ पर छाछ छाछ कोई पीता ही नहीं था घर में सच पता खेत पे भी जाते थे तो छाछ पी के नहीं जाते थे खेत पर जाने के लिए घर में सबसे पहले क्या दिया जाता था बोले दही को मथते थे तो अध चला कहते उसको आधा चलाया अभी आधा चलाया है तो आधा चलाने से क्या हो गया अब वो दही तो नहीं रहा लेकिन मक्खन भी अभी पूरी तरह से नहीं निकला ऊपर ऊपर मक्खन आ गया है मक्खन निकाला नहीं सेपरेट नहीं किया अब उसमें से अध चला लेकर के वो कटोरा भर भर के गुड़ के साथ खा पी करके जाते थे और उसके बाद फिर चलाया जाता था उसको और फिर चलाने के बाद फिर जो बच जाता था उसमें से फिर मक्खन निकाला जाता और फिर जो छाछ बचती थी उसको अड़ोसी पड़ोसी आ गए कोई बेचारे जिसके घर में गाय वगैरह नहीं वो मांग के ले गया तो ठीक है ले जाओ भाई और कोई नहीं लेकर गया सुबह से शाम तक पड़ा रहा तो उसको फिर उसी में खल डाल देते थे गाय के लिए उसके अंदर ही खली डाल देते थे फिर गाय को उसको खिला देते थे मतलब गाय के लिए रायता बन गया हो <laughs> तो बोले सीधा मक्खन खाओ आजकल तो छाछ भी बिक रही है भैया उस समय तो कोई सोच ही नहीं सकता था छाछ कोई को देखता ही नहीं था छाछ अरे छाछ क्या छाछ तो मतलब ऐसे जैसे गन्ना चूसने के बाद छिलका फेंक दिया जाए <laughs> उसे छाछ मानते थे लोग क्या छाज दूध भी दूध को भी बोलते हैं रडुआ दूध नहीं पीना है मतलब सुहागन दूध पीना है सुहागन दूध कैसा होता है बोले दूध में घी डाल करके सधवा दूध विधवा दूध नहीं दूध में घी डाल करके और साथ में बूरा डाल करके और अगर पेड़ा मिल जाए तो फिर पेड़ा डालकर दूध दूध बनता था आजकल तो दूध में पहले ही पानी डालकर जाता है ब्रज में भी चले जाओ तो वही पानी डाल करके मिलता है दूध वो तो। सब चीजें खत्म हो गई संस्कृति खत्म हो गई मक्खन कहा मिलेगा बताओ और शास्त्र में तो हमें समझ ही नहीं कि शास्त्रों को कैसे हैंडल करना होता है भगवान ने सारे शास्त्रों का निचोड़ दे दिया खुद ही बोले इसकी आवश्यकता भी नहीं केवल एक पुस्तक भगवतीता ही पर्याप्त है क्यों क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है श्री मक्खन और इसका प्रवचन भगवान ने किया है चौथा श्लोक है भगवतीता का ही महत्व का भाई मक्खन खाओ भजन में लग जाए हम सभी धर्म का त्याग कर दें अधर्म तो बहुत पहले छूट गया है नहीं हो रहा है किसी से तो भक्तों की संगति में आ जाओ जिन्होंने धर्म का त्याग किया है ये इनके इन प्रकारें थोड़े ही दिनों में वो त्याग करवा लेते हैं जैसा करेंगे संग जैसा चढ़ेगा बेड़ा पार, अब कोई मेरे जैसे पाकंदी के साथ में आ जाएगा तो भैया वो तो भक्त भी नीचे जाकर बोलते सीधे कर्मों में लग जाएगा इसलिए प्रभु जैसे संत गुरु जी जैसे संतों के में आकर के हम सबको अपने जीवन को सार्थक बनाना है। और अनित्यम अम ये नहीं कि भक्त कह रहे हैं अनित्य संसार अरे प्रभु आप लिटिल इंडिया की मिठाई खाओ ना चुपचाप है क्या नहीं पर्वतमी प्रभु एक दिन मैंने नाम ले लिया पर्वतमनी प्रभु का दूसरे दिन ला करके लिटिल इंडिया का डब्बा दे करके चले गए प्रभु ये खाओ ना और मुंह बंद रखो और मैं जा रहा हूँ दोबारा मेरा नाम मत ले लेना लेकिन क्या करूं फिर से मेरे से रहा नहीं जाता दूसरा डब्बा ला करके दे देना प्रभु जी फिर शायद देखते हैं कितने दिन रह पाते दो चार दिन तो रह लिया था मैं लेकिन अभी एक डब्बे से थोड़ी ना काम चलता है हम वैसे ही डब्बा दे दे करके जैसे हेमलता आते प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी वैसा प्रणाम नहीं सादर प्रणाम प्रभु जी सादर प्रणाम और वैसे बोला जाए धर्म को अरे धर्म कैसे छोड़ दे प्रभु जी मेरी बेटी मेरे बिना रहती नहीं है और बेटी के बिना मैं नहीं रह सकती कौन देखेगा क्या होगा <laughs> जैसे हाँ सब दवाइयां आखिरी समय में जैसे काम करने वाली हैं अरे हॉस्पिटल में घुस जाओ अंदर डॉक्टर का बाप भी मरना मरता एक नहीं थे डॉक्टर की माँ भी मरती एक नहीं थे सबको मरना पड़ता उस समय कोई सहायक नहीं हो सकता न मंदिर का हो सकता है न बाहर का हो सकता है कोई नहीं ना डॉक्टर हो सकता है कोई नहीं हो सकता है सहायता तो अंत था केवल भगवान ही करते हैं और मृत्यु लोग है भगवान ने घोषणा की अनितम हाँ भगवान चाहे तो किसी के लिए नित्य बना सकते हैं हनुमान जी के लिए अजर अमर बना करके यहाँ पर उनको अधिकार देती है भक्तों के लिए फिर कोई समस्या नहीं इसलिए भक्त लोग मंदिर में आ जाते हैं लेकिन सब ऊपर से नाटक होता है बाकी सादर प्रणाम वाले बहुत मिले आइए प्रभु जी हमारे घर आइए आपको हम बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाए आपने बोला आऊंगा मैं लेकिन फिर भी आने का नाम नहीं लिया आप नाम ही नहीं लेते आप तो हम हमें याद ही नहीं रखते बिल्कुल आप तो कभी हमारे घर आते ही नहीं ऐसे एकदम से सामने चढ़ के आएंगे जैसे हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया उनके घर पर ना जाकर के <laughs> और ऐसे बुलाएंगे जैसे वो जैसे प्राण निकल ही रहे उनके अगर नहीं गए ना तो आज प्राण निकल ही जाएंगे संडे प्रोग्राम में मिलेंगे नहीं वो कैसे कैसे लोग एकदम नाटक करते हैं कि नहीं ऐसा लगता है सारे धर्म सारे आ, अधर्म हमने ही जो पाल रखे बस वो सब धर्मां संसार की शरण कोई भगवान की शरण मान करके बैठ जाते है खैर प्रभुपा जी ने भूमिका में बहुत हैवी डोज दे दिया है सारी चीजें भूमिका के अंदर ही स्पष्ट कर दिया है अभी तो पिक्चर बाकी है <laughs> ये तो केवल ट्रेलर चल रहा है प्रभुपा जी का क्या-क्या बोलेंगे प्रभुपा जी परपट में देखते चलो सुनते चलेंगे हम लोग प्रभुपाद की कृपा से धन्यवाद वी विल एंडियर थैंक यू भगवान की वाणी भगवतीता की जय शिल की गुरु महाराज की जय कोटि वैष्णव की जय तो। याद रखना पर्वत मुनि प्रभु ठीक है नाम पर्वत है तो फिर एक आध डब्बे से क्या होगा कुछ पर्वत बनाओ समझ रहे हैं करवाओ कुछ पर्वत की या कोई पर्वत डोनेचन में दिलवा दो कहीं से हम वहां पर प्रभुपा जी को बिठा देंगे ऊंचे से पर्वत पर ठीक है कुछ करो आपका नाम पर्वत मुनि ऐसे नहीं रख दिया है महाराज ने कुछ सोच समझ करके दिया है ठीक है हरे कृष्णा